एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एमएस वर्ड के रेफरेंस टैब के बारे में। पहले वाले वीडियो में हम होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू और लेआउट मेन्यू कवर कर चुके थे। उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर हमारे पहले की वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते अपने टॉपिक को, जो है आपका रेफरेंस मेन्यू बार। इसमें सबसे पहले ऑप्शन दिया गया है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट होता क्या है? जब टेबल ऑफ कंटेंट को इस तरह से कीजिएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, तो कुछ इस तरह का आपको ऑटोमेटिक टेबल डिज़ाइन दिखेगा। ये क्या होता है, जैसे जब भी आप कोई भी बुक खोलते हो तो सबसे पहले आपको टेबल ऑफ कंटेंट, जिसको इंडेक्स भी बोला जाता है, बनकर दिखा रहता है। तो उससे हमें पता चलता है कि हमारा कौन सा चैप्टर किस पेज नंबर पे है, तो वो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट होता है। तो एमएस वर्ड में हम टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनाते हैं, चलिए सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ पैराग्राफ या फिर एक तरह से हम बोल सकते हैं यहाँ बुक्स के कुछ मैटर लिख लेते हैं, जो हम ब्रांड से ले आएंगे 99 पैराग्राफ। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास पेजेस की संख्या बढ़ गई है, जो आपका है 8 पेजेस। टेबल ऑफ कंटेंट हमेशा फर्स्ट पेज पर होता है, इसलिए हम यहाँ पे एक फर्स्ट पेज को हम यहाँ से ब्लैंक ले लेते हैं। ब्लैंक पेज लेने का जो शॉर्टकट होता है वो कंट्रोल एंटर होता है। इस तरह से आपका एक ब्लैंक पेज इंसर्ट हो चुका है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम चैप्टर का हेडिंग बनाएंगे, देन चैप्टर नेम लिखेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने लिख लिया यहाँ पर कंप्यूटर फंडामेंटल, हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है, ठीक है, कंप्यूटर फंडामेंटल। इसको आप चाहो तो कैपिटल कर सकते हो। कैपिटल करने के लिए इसको आप सेलेक्ट करो और कंट्रोल प्लस F3 प्रेस कर दीजिएगा, आपका ये कैपिटल हो जाएगा लेटर। अब इसको आप जहाँ भी रखना चाहते हो, इसका पोजीशन आप यहाँ से कर्सर से आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो, या फिर क्या करो होम में जाओ और जहाँ पर भी आपको रखना है इस तरीके से भी आप कर सकते हो कंट्रोल E से। तो इसको हमें एज ए हेडिंग बनाना है। तो हेडिंग आप दो तरह से बना सकते हो। पहले आप सेलेक्ट करो, होम में आपके ऑप्शंस यहाँ पे दिए रहते हैं बने बनाए स्टाइल हेडिंग के, तो यहाँ पे आपको हेडिंग वन ही चूज़ करना है। यहाँ नॉर्मल ये है, ये आपका लेटर का फॉर्मेट है, ये आपका एज ए हेडिंग वर्क नहीं करता। या फिर हम रेफरेंस टैब पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ रेफरेंस में ही आपका एड टेक्स्ट दिया है। एड टेक्स्ट में ये आपके हेडिंग्स के लिए ही दिया है, आपका लेवल वन मतलब जो मेन हेडिंग होती है उस हेडिंग के अंदर सब हेडिंग डालना है तो लेवल टू, और उस हेडिंग के अंदर भी आपको हेडिंग डालना है तो वो आपका लेवल थ्री। तो यहाँ से भी आप हेडिंग बना सकते हो। तो हम रेफरेंस मेन्यू पढ़ रहे हैं तो हम यही से हेडिंग बनाना यहाँ पे सीखेंगे। तो यहाँ मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसको यहाँ पे लेवल वन दे दिया, तो ये आपका हेडिंग यहाँ पे बन चुका है। यहाँ पे स्पेस हमारा ज़्यादा था तो इसको हम यहाँ से कम कर सकते हैं। यहाँ पे आप चाहो तो फॉर्मेट भी लगा सकते हो, है ना। फॉर्मेट लगाना आपको पता ही होगा, होम मेन्यू में मैंने सीखा था। यहाँ पे कंट्रोल यू से आप अंडरलाइन कर सकते हो, यहाँ कंट्रोल बी से आप बोल्ड कर सकते हो, और इटैलिक भी अगर चाहो तो आप यहाँ से कर सकते हो। नेविगेशन पैन हम यहाँ से बंद कर देते हैं, अभी हमें ज़रूरत नहीं है। हम आगे पढ़ेंगे व्यू मेन्यू में नेविगेशन पैन कैसे काम करता है। तो इस तरह से आप फटाफट दो तीन चैप्टर बना लीजिए, जिससे हम टेबल ऑफ कंटेंट की जो भी आपकी लिस्ट है वहाँ पे हम देख सकें। तो यहाँ हम फटाफट चैप्टर बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने तीन हेडिंग बना लिया, एक हार्डवेयर का, ऊपर एक सॉफ्टवेयर का बनाया था, और एक बनाया है मैंने यहाँ पे कंप्यूटर फंडामेंटल। तो यहाँ हमारा तीन टेबल ऑफ कंटेंट के लिए चैप्टर बन चुका है। अब आपको टेबल ऑफ कंटेंट का टेबल इंसर्ट कराने के लिए आपको जहाँ पे भी टेबल इंसर्ट कराना है वहाँ पे आप अपना कर्सर रख देना। कर्सर रखने के बाद रेफरेंस में जाना है और टेबल ऑफ कंटेंट की जो भी आपको फॉर्मेटिंग अच्छी लगती है उस फॉर्मेटिंग पे आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए आपका आ गया है कंप्यूटर फंडामेंटल, जो है आपका पेज नंबर 2 पे है, सॉफ्टवेयर पेज नंबर 4 पे, और हार्डवेयर पेज नंबर 6 पे है। तो आपको क्या करना है, अगर जिस भी चैप्टर पे आपको जाना है तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी चैप्टर पे आपको जाना है
उस चैप्टर पे आप कंट्रोल के साथ अपने माउस को क्लिक कीजिएगा, माउस का लेफ्ट बटन, तो उस चैप्टर पे आपको जंप वो करा देगा। देखिए हम हार्डवेयर पे आ गए, ऊपर जाते हैं, दूसरे चैप्टर पे जाना है हमें, सॉफ्टवेयर वाले चैप्टर पे जाना है, कंट्रोल प्रेस किया और इस पे सॉफ्टवेयर वाले पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे देखिए सॉफ्टवेयर वाले पे आ चुके हैं। तो इस तरह से आप यहाँ से डायरेक्ट जो आपका चैप्टर है वहाँ पे आप जंप कर सकते हो। अब यहाँ हम सीखेंगे टेबल को हम कैसे अपडेट करते हैं। अपडेट मीन्स अगर आप न्यू चैप्टर कोई ऐड करते हो तो ये हमारा टेबल कैसे, टेबल ऑफ कंटेंट का जो टेबल है वो कैसे अपडेट होगा। तो यहाँ पे हम एक न्यू चैप्टर और बना लेंगे। यहाँ पे हम नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे हम कोई भी एक न्यू चैप्टर बना लेंगे। यहाँ मैंने बना लिया जैसे डेस्कटॉप, यहाँ पे मैंने बताया था हेडिंग को आपको अगर कन्वर्ट करना है तो यहाँ लेवल वन पे कर दीजिए, आपको जो भी यहाँ से फॉर्मेटिंग करनी है यहाँ से फॉर्मेटिंग कर दीजिए। इसके बाद जब आप ऊपर जाइएगा अपने टेबल ऑफ कंटेंट के इंडेक्स यानी पेज नंबर पे, तो यहाँ आप देखिए वहाँ पे डेस्कटॉप वाली हेडिंग नहीं आई है, तो इसके लिए आपको टेबल को करना पड़ेगा अपडेट। टेबल को अपडेट करने के लिए यहाँ टेबल को सेलेक्ट करिए, यहाँ पे अपडेट टेबल को ऑप्शन दिया है इस पर क्लिक कर दीजिए या फिर यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, तो दोनों एक ही ऑप्शन है, किस पे भी क्लिक कर दीजिएगा। इसमें आपको क्या करना है, अपडेट इंटायर टेबल ऑप्शन को क्लिक करना है जिससे कि हमारा पेज नंबर भी अपडेट हो जाए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ओके कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेस्कटॉप जो था वो हार्डवेयर के पेज नंबर के पहले था, इसलिए यहाँ पे बीच में ये अपडेट हो चुका है। जिस भी चैप्टर पे जाना है कंट्रोल प्रेस कीजिए और उस वाले चैप्टर पे आपको क्लिक करना है जिससे आपका यहाँ पे चैप्टर जंप हो जाएगा, कर्सर जंप हो जाएगा। तो ये हो गया आपका टेबल ऑफ कंटेंट। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। हाँ, हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।